नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता डॉट कॉम। केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने की मांग मान ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। दरअसल पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की बढ़ती मांग को देखते हुए नया आयोग बनाने का फैसला किया गया है। दरअसल वर्तमान में मौजूद ओबीसी आयोग का संवैधानिक दर्जा नहीं है और यह नया आयोग वर्तमान आयोग की जगह लेगा। इसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग को लेकर 20 मार्च को ओबीसी कल्याण से जुड़ी संसदीय समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसके बाद कैबिनेट ने इस मांग को मान लिया। नए आयोग का नाम नेशनल कमीशन फॉर सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस यानी कि NSEBC रखा जाएगा। वर्तमान में ओबीसी सूची में जातियों के नाम जोड़ने या हटाने का काम सरकार के स्तर पर होता है, लेकिन इस आयोग की सिफारिश के बाद संसद पिछड़ा वर्ग में नई जातियों के नाम जोड़े जाने या हटाए जाने पर फैसला करेगी। इस आयोग के गठन के लिए संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश किया जाएगा। नया आयोग सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ों को परिभाषित करेगा। इस आयोग में नए चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।